नमस्कार। उदयपुर का इंसिडेंट हुए अब 2 दिन हो चुके, 2 दिन से ज्यादा हो चुके, लेकिन अब तक इंटरनेशनल एरिना में ना तो कुवैत का कोई रिएक्शन आया है, ना ही सऊदी अरेबिया का और ईरान का, और वो कंट्रीज जो के हमारे एम्बेसडर को, इंडिया के एम्बेसडर को तलब कर रहे थे, उनका कोई रिएक्शन नहीं आया। क्यों नहीं आया? ये एक सोचने वाली बात है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री वैसे तो कभी भी तलब कर देती है, वैसे कभी भी अफसोस जता देती है, लेकिन इस पर रिएक्शन नहीं आया। आखिरकार ये आग लगाई हुई तो उन्हीं की है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं महली सरकारी जी, जो कि एक्टिविस्ट हैं और एक्टिविस्ट के साथ साथ ह्यूमन राइट्स पे बहुत ध्यान देती हैं, उस पर काम करती हैं। एक्स मुस्लिम भी हैं, बट देन एक्स मुस्लिम का इस रिलेशन, इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं, बट जस्ट एन इंट्रोडक्शन। महली जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। दूसरी चीज मैम, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि क्या ये ड्यूटी नहीं बनती थी इस मुस्लिम उम्मा की, जिसने इस मैटर को एस्केलेट किया? वेयर आर दीज कंट्रीज नाउ? अब ये कहाँ है? देखिए, ये डबल स्टैंडर्ड की तो हमने उस दिन भी बात की थी। ये डबल स्टैंडर्ड इनका चलता है। ये वही इस पे कहना है कि मेरा कुत्ता टॉमी, तुम्हारा कुत्ता कुत्ता। तो जब इनकी बात आती है तो इनके सेंटिमेंट्स भी हर्ट हो जाते हैं, इनको तकलीफ भी सबसे ज्यादा जल्दी होती है, सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स की भी कंप्लेन ये करते हैं बाहर के मुल्कों में जाकर, मगर अपने मुल्कों में करने की जब बात आती है तो वहां कुछ नहीं करते हैं। ऑब्वियसली कई जो मुल्क इतनी बड़ी डिमांड कर रहे थे इंडिया से, और इंडिया ने उनकी डिमांड पे आकर बहुत कुछ किया भी, एक्शन भी दिया, तो अब वो चुप करके बैठे हुए हैं, क्योंकि अब क्या बोलेंगे वो, व्हाट आर दे गोइंग टू से। अब या तो ये बोल सकते हैं कि इसका इस्लाम से कुछ ताल्लुक नहीं है, ये एक इंडिविजुअल था, हम इसको बोलेंगे क्या वो, दे वही घिसी पिटी लाइन जो हमेशा हम जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है उसके बाद सुनते हैं, और फिर थोड़ा टाइम गुजर जाता है, हर कोई भूल जाता है, फिर एक और इंसिडेंट हो जाता है। इट्स लाइक अ रिपीटिंग थिंग। मेरा तो कल सुन के बहुत खून खोला था और मुझे तो बहुत गुस्सा आया हुआ था, क्योंकि अब कब तक, मैं भी वीडियोस बनाती हूँ, कब तक मैं वीडियोस बनाऊंगी। इस महीने में कितनी घटनाएं आ गई हैं। आप नाइजीरिया में देखें तो वहां क्रिश्चियन औरत को मार दिया है, अभी ऑस्लो नॉर्वे में गे बार में जाकर अल्लाह अकबर पर करके वहां शूटिंग कर दी। तो कितने केसेस पे आप बात करेंगे, तो सब पे चुप रहते हैं। कहाँ से आपको कहीं सुनाई दिया किसी भी, चले इनको छोड़ें, किसी आपने किसी मुसलमान से सुना, जो बड़े बड़े नेम्स हैं, नाम हैं आपके, बॉलीवुड उठा लो, हमारे यहाँ पर उठा लो, जर्नलिस्ट हैं, नॉट अ पीप। मगर हाँ, जब नुपुर शर्मा का केस चला तो सब बोल रहे थे उस वक्त। सब बोल रहे थे, राइट? क्या आपको लगता है जिस तरीके से फ्रांस की गवर्नमेंट अपने उस टीचर के पीछे आके खड़ी हो गई थी, इस केस में कोई भी उस टेलर के पीछे आके नहीं खड़ा हुआ है? क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आना चाहिए था सामने, या बीजेपी के कुछ लीडर्स को वहां जाना चाहिए था, ताकि ये तो क्लियर होता ना कि भाई इसका मर्डर गलत हुआ? नुपुर शर्मा को जो मामला है वो देखें, वो कोर्ट देखेगी, इसके साथ गलत हुआ, इसने कोई ब्लास्फेमी नहीं की थी, क्या गवर्नमेंट को थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए था इस पर? ऑब्वियसली द गवर्नमेंट हैड टू। अब मैक्रॉन जितना भी मुस्लिम अपीजमेंट करता होगा, उसके ऊपर प्रेशर डाला गया था इस चीज के कि फ्रांस इज नोन फॉर फ्रीडम ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप किस तरह से ये कर सकते हो, तो दे हैड टू टेक अ स्टैंड, एंड आई वाज वेरी सरप्राइज कि उसने वो स्टैंड लिया। इंडिया को भी स्टैंड लेना पड़ेगा, आज नहीं तो कल लेना पड़ेगा, कल नहीं तो परसों, दे विल हैव टू टेक अ स्टैंड ओवर दिस। आपके कोई बंदे को इस तरह से आके मार दिया जिसका कोई ताल्लुक भी नहीं था किसी चीज से। इसी तरह से स्वीडन में भी हुई है ये चीज, जहां पर एक फार राइट का बंदा था जो कुरान जलाना चाह रहा था, उसने जलाया नहीं था, मगर वहां के लोगों ने, मुसलमानों ने स्वीडन जलाना शुरू कर दिया। पहले बहुत रायट्स हुए, पुलिस वालों का गियर चुराया गया, पुलिस वाले भाग रहे थे, फिर उन लोगों ने सिचुएशन को अपने कंट्रोल में किया, दे कंट्रोल, और आई थिंक ऐसे ही कोई ऑर्डर था कि शूट ऑन साइट करके इसी तरह से वो करा। फिर स्वीडन ने उस बंदे को पुलिस प्रोटेक्शन में, हैवीली पॉपुलेटेड मुस्लिम एरिया में गया और उन्होंने प्रोटेक्शन दी, और उसने जाके वहां कुरान जलाया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन दीज वेस्टर्न कंट्रीज, क्योंकि ये इनकी वैल्यूज हैं और ये वैल्यूज किसी के लिए भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, वी डोंट केयर कौन है वो। तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, अभी और भी कंट्रीज को लेना पड़ेगा, बट प्रॉब्लम यह है कि आपके पास एक तो पॉपुलेशन ज्यादा है, सेम थिंग जैसे कि लंदन में है, लंदन में भी पॉपुलेशन ज्यादा है, लंदन में भी एक टीचर के पीछे पड़ गए थे, तो उस टीचर को छुपना पड़ा। अब उनकी गवर्नमेंट भी, उनके उन्होंने क्या करा, उन्होंने छुपा लिया, उन्होंने केस को भी छुपा लिया,
उसको भी हाईलाइट करके स्पाइन दिखाकर खड़े होना चाहिए था। अभी एक मूवी आई है द लेडी ऑफ हेवन जो शियाओं ने बनाई है, उस पे लंदन में लोगों ने जाकर सिनेमा के आगे पूरे लोग खड़े हो गए थे, उस मैनेजर की हालत देखनी थी कि अगर ऐसे ही लग रहा था उसको भी लिंच करके वहीं पे मार देना है अगर वो लोग कैंसिल नहीं करते उस मूवी को। तो वहां जाके दादागिरी दिखाई, वो मूवी बंद करवाई, एंड अगेन लंदन डिड नथिंग, दे डिडंट से एनीथिंग। तो आप जितना इनसे दबोगे ये उतना दबाएंगे, उतना गुंडागर्दी चलेगी। इट इज लाइक अ माफिया, ये माफिया बन गया है, माफिया गैंग बन गया है, यू हैव टू डील विद देम इन दैट वे। और क्या माइंडसेट है इन इन गल्फ कंट्रीज का या मुस्लिम कंट्रीज का कि वो ऐसी मर्डर पर कुछ नहीं बोलते लेकिन एक स्टेटमेंट पर सबके सब बोलना शुरू कर देते हैं। क्या ऐसा कोई माइंडसेट बना रखा है या ऐसा वो क्यों, मतलब क्या कोई ह्यूमैनिटी नहीं रह गई है? एक आदमी का मर्डर हो गया और उन्होंने कुछ बोला नहीं अब तक? देखिए ज्यादातर गल्फ कंट्रीज जो है वो तो 21st सेंचुरी में रह नहीं रही है। हाँ सऊदी अरब ने थोड़ी सी अब तरक्की कर ली है 2019 में, जब ये बोलती हूँ तो अजीब सा लगता है कि 2019 उनकी औरतों को गाड़ी ड्राइव करने की परमिशन मिली है। तो ह्यूमन राइट्स, कौन सी ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं आप गल्फ कंट्रीज में? देयर इज नो ह्यूमन राइट्स वहां पर। राइट्स हैं मुसलमानों के, वो भी चंद उनको मिलते हैं। देयर इज नो ह्यूमन राइट्स फॉर अदर रिलीजन्स वहां पर। जो उनके लॉज हैं वही रहते हैं। आप सऊदीया के लॉज, मैं जाकर वहां पर अगर क्रिश्चियन हूँ या हिंदू हूँ तो मैं वहां जाकर लॉज उनके चेंज नहीं कर सकती हूँ। हाँ उन्होंने जगहें बना दी हैं जहां पर मैं रह सकती हूँ, वहां मैं ड्रिंक कर सकती हूँ, वहां मैं बीच पे जा सकती हूँ, दे हैव डन दैट मच। मगर ह्यूमन राइट्स इनके नहीं है, इनके वहां पे अभी तक शरिया लॉ चल रहा है। तो यू वुड यू थिंक कि उनको वो दर्द हुआ है कि भाई एक बंदे को मार दिया, जिसके पीछे नैरेटिव ये चल रहा है कि उसने गुस्ताखी करने वाले को सपोर्ट किया था? तो नहीं, दे थिंक, दे पर्सनली थिंक जो हुआ है वो सही हुआ है। ओके और बहुत सारे हमने ऐसे भी देखे हैं लोग जिनको थ्रेट है, चाहे तारिक फतेह हो, अहमद वक्कास गुराया हो, या करीमा बलूच का मर्डर ही हो गया, और एक और जनाब स्वीडन में थे उनका भी। खैर ये ब्लास्फेमी का केस नहीं था, ये पाकिस्तान के खिलाफ था और पाकिस्तान की ISI और आर्मी उनको मारना चाह रहे थे इसलिए मरवाया गया। आपको लगता है कि जो लोग इसके खिलाफ बोलते हैं, इस गुंडागर्दी के खिलाफ बोलते हैं या ये गलत काम के खिलाफ बोलते हैं जो कि इस्लाम का मिसयूज करके मर्डर हो रहा है, उसके खिलाफ जो बोल रहा है उसको भी, उसकी भी जान को खतरा होता है, आपको लगता है कि ऐसा कोई माहौल बनता जा रहा है? क्या सिचुएशन है वेस्टर्न वर्ल्ड में? क्योंकि मैं खैर आर्मी की बात करें तो वो तो डिफरेंट ही इश्यू हो जाता है। मैं दोबारा ही बोलूंगी कि आई डोंट थिंक कि ये जो मेंटालिटी है ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद है। पाकिस्तान में उसको इस्तेमाल किया जा रहा है ऑब्वियसली टू कॉज अनरेस्ट इन अदर कंट्रीज, स्पेशली इन इंडिया। करीमा बलोच हो जाए या जो दूसरे बलोच साहब थे, उनकी प्रॉब्लम कुछ अलग ही थी। आई डोंट थिंक कि उनका जो केस था वो ब्लास्फेमी का था, उसमें वो कुछ नहीं था। हाँ अगर आप लोगों के खिलाफ बोलते हैं, चंद पॉपुलर लोगों के खिलाफ बोलेंगे तो आपकी जान को खतरा है। मेरी जान को खतरा है। अभी पिछले 3 हफ्ते पहले तो मेरे पीछे बड़े खालिस्तानी पड़ गए थे यहाँ पर स्पेसेस पे, और मुझे लोग कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा पता करने की कोशिश की जा रही है। आई डोंट नो, किसी ने प्रूफ अभी तक मुझे दिया नहीं है। बट आई हैड टू डील विद समथिंग लाइक दैट माईसेल्फ इन फेब्रुअरी, जहाँ पे मुझको कॉन्टेक्ट करना पड़ा था RCMP से, और दे हैव केप्ट मी अंडर वॉच। मेरा सोशल मीडिया भी वो वॉच करते हैं, और मुझे अगर कोई भी थ्रेट है ऐसी तो उन्होंने मुझे प्रोटेक्शन जो है वैसी दी हुई है। तो लोगों को ये पता नहीं है, मैं बार बार उनको बता रही होती हूँ कि मुझे IDs भेजे भाई जो ये ऐसी बातें कर रहे हैं, तो फिर हम उनको ट्रैक कर सकते हैं। मगर ये बात तो है कि यस, अगर आप प्रोमिनेंट फिगर्स को टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तान के, तो आपको जो है खतरा हो सकता है। और अगर आप इस्लाम के खिलाफ बोलें, खिलाफ तो नहीं, अगर इस्लाम की आप आयते भी आप बता दें तो वो आप पे ब्लास्फेमी कह के वो आजकल जो है ठप्पा लगा रहे हैं। इवन तो हम वही चीज बोलते हैं जो लिखी हुई है बुक्स में। और दूसरी बात ये अब कि आर्मी के भी खिलाफ पहले जो बोलते थे वो अब सीन चेंज हो गया है। अगर आप देखें तो इमरान खान के जब से गए हैं, उनको निकाला गया है, तब से इमरान खान की पार्टी वाले तो बाजवा पे ट्रेंड चला रहे होते हैं, बाजवा ये है बाजवा वो है, ओपनली पाकिस्तान में अब लोग बोल रहे हैं आर्मी के खिलाफ भी। सो किस किस को उठाएंगे, किस किस को मारेंगे? सो इट्स changing a little bit, but we will see क्या हो सकता है पाकिस्तान का। राइट, मैं आपको एक एक एडवाइस जरूर दूंगा, अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि ऐसी चीजें, एक छोटी सी थ्रेट को भी सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि ये इस तरीके की चीजें, इनको तो नहीं भरोसा, ये लोग तो
एक ऐसे आदमी को पकड़ते हैं जिसने सारी जिंदगी ड्रग्स बेची हो, सारी जिंदगी गलत काम किए हो, और उसको बताते हैं कि फास्ट ट्रैक आपको जन्नत मिल जाएगी, एक आदमी को मार दीजिए और वो उस जन्नत के चक्कर में किसी को। बाकी चीजें ये है कि मैं आपको एक सिंपल सी चीज देता हूँ कि प्लीज अपना ख्याल रखिए और आरसीएमपी के साथ टच में रहिए। एक फाइनल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि भले ही कोई भी हो, इन मर्डर्स से करीमा बलूच का ब्लास्फेमी पे नहीं हुआ, एक तो हमें ये पाकिस्तान छोड़ के कहीं और किसी और कंट्री से ऐसी चीजें नहीं दिखती हैं कि ब्लास्फेमी के आरोप लगे हों या उसकी के ऊपर डेथ थ्रेट आई हो। दूसरी चीज, ऐसे भी हमने नहीं देखा है, एक एक टर्की में मर्डर हुआ था, उस टर्की में एम्बेसी में, सऊदी एम्बेसी में मर्डर हुआ था खशोगी का। उसके सिवा मुझे और कोई इंसिडेंट नहीं दिखता है जो कि फॉरेन दूसरे मुस्लिम कंट्रीज ने बाहर मर्डर कराए हैं। 99% मर्डर जो है वो पाकिस्तानी एम्बेसी के थ्रू हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान में माहौल ऐसा है, पाकिस्तान की तरफ से पैसा जाएगा, पाकिस्तान की तरफ से आदमी जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि ये पाकिस्तान बदनाम कर रहा है पूरे इस्लाम को और पूरी मुस्लिम उम्मा को? आई डोंट रियली थिंक कि पाकिस्तान इसको बदनाम कर रहा है, मुझे इतना नहीं पता क्योंकि आई डोंट नो, अभी कोई न्यूज ऐसी आई नहीं है। यहाँ की आरसीएमपी ने हमको बताया था कि करीमा बलोच वॉक के लिए गई थी और वो सेंटर वहां पर गई है तो वहां पर वो ड्राउन हो गई। तो आई गेस आई हैव टू बिलीव जो आरसीएमपी ने मुझे बताया है, विच आई फाइंड इट स्ट्रेंज। मगर यू नो जो आपके सामने है खशोगी का जो केस था उस पे भी जो दूसरी साइड की न्यूज मिलती है वो मुझे ये थ्योरी भी मिली थी कि खशोगी वाज वर्किंग विद मुस्लिम ब्रदरहुड और मुस्लिम ब्रदरहुड बैंड है इन सऊदी अरेबिया एंड ही वाज एक्चुअली अगेंस्ट द रिफॉर्म्स दैट जो एमबीबीएस है वो कर रहा था। तो ये एक और इट कुड बी अ कंस्पिरेसी, आई डोंट नो। हमको दिखता है कि हाँ ये चीज तो हुई है। बात कर रहे हैं तो एजेंसीज के बंदे तो हर मुल्क में होते हैं। यू नो मैं जब पाकिस्तान गई थी तो मुझको ये बताया गया था कि ये बैगर्स और ये जो लोग हैं इनसे जरा बच के रहना क्योंकि ये एजेंसीज के बंदे होते हैं और सिर्फ आईएसआई नहीं हर जगह के, तो वो तो सारी जगह पे ही है। मगर द प्रॉब्लम इज कि ये आइडियोलॉजी, आपको कोई और आइडियोलॉजी, आपको कोई हिंदू जाके कहीं बम फोड़ते हुए नहीं दिख रहा है, आपको कोई बुद्धिस्ट नहीं जाते हुए दिख रहा है, आपको बहुत कम क्रिश्चियंस होंगे, कत्ल वारत होती है मगर कोई जीसस के नाम पे जाके नहीं कर रहा है। मगर जब आपको हम केसेस बताते हैं तो अभी अभी में केसेस कहाँ से आ गए, नाइजीरिया में से आ गए केस, यूएस में से आता है, इंडिया में से आता है। जो जिस बंदे ने सैमुअल पैटी का सर काटा था वो चेचियन था, वो तो पाकिस्तानी था ही नहीं ना। तो ये आइडियोलॉजी इवन दो पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसको यूज कर रही होगी मगर दिस आइडियोलॉजी एग्जिस्ट ऑल अक्रॉस द मुस्लिम उम्मा। अभी अगर आप जाके लोगों से ये पूछें कि आपने अगर किसी को टेस्ट करना है, वैसे आप करिए नहीं, मतलब इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। यहाँ हुआ क्या था, यहाँ पे हमारी एक एमपी है इकरा खालिद, उनका इवेंट हो रहा था तो वहां पर तीन औरतें पहुंची, उसमें से दो एक्स मुसलमान थी, सऊदीया की थी एक बंदी। तो उसने जाकर सिर्फ ये बोला कि योर प्रॉफिट वॉज यू नो समथिंग, तो वहां चार मर्द खड़े थे, उनमें से जो सबसे बड़ी दाढ़ी वाले बुजुर्ग थे ना वो आए हैं हाथ उठाकर उसको मारने के लिए और उन लोग दूसरे लोगों ने उनको पकड़ा है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये चीज इनकी नेशनैलिटी जहां रह रहे हैं, इट इज अबव एवरीथिंग, प्रॉफिट मोहम्मद इज अबव एवरीवन। और अगर कोई कहता है कि भाई उसके किसी ने कत्ल कर दिया, गलत किया है, तो उसकी भी गला उसका भी गला कटेगा। हाउ डेयर यू डू दैट। तो बहुत सारे मुसलमान कहते चाहते हुए भी नहीं बोल सकते हैं, राइट? सो सबसे ज्यादा तो मुसलमानों को दबा के रखा हुआ है ना, क्योंकि दे कैन डू दिस, दे कैन डू दैट, दे कैन डू दिस। सो दिस इज गेटिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मगर मैं वही बात बोल रही हूँ कि हर कंट्री को दे विल हैव टू टेक अ स्टैंड। और हमारा लेफ्ट जहां पर जितना मुस्लिम अपीजमेंट में लगा हुआ है, मुझे तो नहीं लगता कि ट्रूडो ने कुछ बोला है इस चीज पे, नहीं। मगर ये अदर वे राउंड होता, कोई मुसलमान मर गया होता तो ट्रूडो ने फॉरन आके यहाँ पर वो बोलना था कि ओ ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। मगर राइट नाउ नोबडी हैज सेड कंडेम्ड इट और एनीथिंग। अभी आपसे बात करने से पहले मेरे उस पर एक आए थे फ्रेंडली मुस्लिम के नाम से, उन्होंने आगे कंडेम तो नहीं किया, आते साथ ही उन नुपुर शर्मा पे शुरू हो गए कि नहीं उन्होंने ये नहीं करा, जहां से पकड़ू वहां से वो फंस रहे थे। तो मैंने कहा वही तो प्रॉब्लम, यही ना, लिख लिया आपने फ्रेंडली मुस्लिम,
मगर आप आके यहाँ पे उस चीज को डिफेंड कर रहे हो जो आजकल के जमाने में 21st सेंचुरी में बारबेरिक क्राइम समझा जा रहा है. वेयर आर योर ह्यूमन राइट्स? वेयर इज योर कॉन्शियस? आपके अंदर एहसास नहीं है? एक बंदे को आप बकरे की तरह जिबा कर दिया आपने और आपको उस पर कोई गिल्ट नहीं है, आप उसको कंडेम नहीं कर रहे हो, आप गुजरे हो दूसरी चीजों पे. सो इट्स एन इविल आइडियोलॉजी, ब्लड थर्सी आइडियोलॉजी. इनको गाय का भी खून चाहिए, इनको बकरे का भी खून चाहिए, इनको इंसान का भी खून चाहिए. यानी अल्लाह मियाँ इतना खूनम खून है, उसको सिर्फ खून ही चाहिए हर वक्त. सो दैट इज वाई मैं कहती हूँ ना, एक्स मुस्लिम जो है ना, तो हम लोग जरा ज्यादा इन चीजों में होते हैं, तो वी नो वेयर दिस टेक्स्ट इज कमिंग फ्रॉम, वेयर दिस आइडियोलॉजी इज कमिंग फ्रॉम. इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू पाकिस्तान, वो तो दूसरे मुल्कों के पास पैसा ज्यादा है, गल्फ कंट्री के पास पैसा है ना, तो उन्होंने अपने लोगों को भेज दिया बाहर. सऊदीया भेजता है, अपने स्पॉन्सर करता है लोगों को, बाहर जाओ टेक्नोलॉजी सीखो और वापस आओ. पाकिस्तान में कौन? पाकिस्तान में तो निकल जाते हैं, वो कहते हैं भाई भाई हम जा रहे हैं, हम अपनी लाइफ बनाएंगे. कौन आता है वापस पाकिस्तान में और आकर क्या कहते हैं पाकिस्तान को बेहतर मुल्क बनाने की कोशिश कर रहा है? नोबडी. ऑल द स्मार्ट पीपल आर गॉन. राइट राइट, बस यही चीज है कि ये इस्लाम को जो गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है और करते रहे हैं पिछले 30 साल से किया और अब भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों को बाहर सेटल होना है। बिल्कुल सही बोला आपने, ये लोग बाहर अपने फार्म हाउसेस बनाना चाहते हैं, बाहर अपनी एक जन्नत तैयार कर रहे हैं लोगों को इस्लाम के तरीके से जन्नत दिखा के। और इसी के साथ मैली जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मैली जी का अपना एक चैनल भी है जिसमें ये अवेयरनेस पैदा करती हैं इस तरीके के गलत कामों पर। मैली सरकारी नाम से ही, प्लीज उसको जाकर के आप चेक करें, सब्सक्राइब करें। मैली जी आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। और उम्मीद है आपके साथ जल्दी एक और डिस्कशन होगा। अभी के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच.